नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं एक नया लेटेस्ट वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। यहां पे रिंग रोड का काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी के साथ, जहां पे भी बारिश भी हो रही है। आप सभी देख सकते हैं यहां बहुत सी चीज़ें हैं। ये चलते हैं, ब्रिज दिखाते हैं आप सभी को। तो यहां पर मशीनें लगी हुई हैं, वर्क हो रही हैं फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं मशीनें चल रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे बड़े बड़े सांचे रखे गए हैं जो रिंग रोड के अगल बगल लगाए जाते हैं, जिन पे ब्रिज खड़ा होता है। देख सकते हैं साँचा है ये सब। सभी को बता दें कि यहाँ पे गंगा जी का जल स्तर बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो हुआ है, काफ़ी बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई वर्कर रुक गए हैं। ये देख सकते हैं मशीनें तो लगी हुई हैं लेकिन मजदूर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इधर का काम बिल्कुल रोक दिया गया है। ये सब देख सकते हैं गाड़ियाँ आई हैं और माहौल हो गया। ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। वो सामने देख सकते हैं कि ब्रिज का कितना वर्क हुआ है फ्रेंड्स, ये वाला। उस साइड चिरई गांव है तो इस साइड फ्रेंड्स कुंडा कला। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना वर्क हुआ है, कितना नहीं हुआ है, सब कुछ नज़र आ रहा है सभी को। तो ये चलते हैं वापस। वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन थोड़ा डर भी है क्योंकि मौसम कुछ अच्छा नहीं है। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें फ्रेंड्स। यहाँ पे केबल ब्रिज बनना है जो कि रिंग रोड को बनारस से चंदौली को जोड़ेगा और चंदौली के पछड़वा गांव से राजा तालाब तक ये बनाया जा रहा है। लगभग 950 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जो आप सभी के सामने हैं। देखिए सरिया सब मोड़ा गया है उसमें लगाने के लिए, ढलाई के लिए। यहाँ पे देखिए सभी सांचे हैं। और यहाँ पे जगह जगह बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं जो बहुत ही काम आने वाली हैं।